लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो जो फोकस है वो है औरतें। ऑब्वियसली हम लोग सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है मीरा कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा हम अपने आप को रोकते हैं। क्या हम पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं? बिकॉज यू सी आई हैव टू बी माई सेल्फ। बिल्कुल, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन हेलो मीरा सिटी। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी आज की मेहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। आपने गेस कर ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। आए बात करते हैं माहिरा से एंड लेट्स आस्क हर द क्वेश्चंस दैट मे बी यू वांटेड टू आस्क हर बट नेवर कुड। हेलो माहिरा। हेलो मीरा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई फील सो गुड टू सी यू एंड टू बी सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम यू। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू, ये आपके लिए मैंने आज फुल ऑन। यू नो दिस इज माई फेवरेट कलर, इज इट? या आई मीन नो, इट्स सफेद, सफेद मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये एमरल्ड ग्रीन रंग, ओह It did, जब मैंने पहना तो मुझे I felt better about myself. Yeah, you're doing justice, for sure. माहिरा, आपकी जो वेबसाइट है और जो कंटेंट क्रिएशन साइट है Mashin, उसकी टैगलाइन है where women come first. Yes. इसका क्या मतलब है? Oh. इसका बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब है कि एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो फोकस है वो है औरतें। सही। एंड आई थिंक दैट वी हैव मैनेज्ड प्रीटी वेल, वी आर ट्राइंग, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाती है कभी कभी। आपको लगता है कि यार आप कुछ, ऑब्वियसली हम लोग सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है मीरा कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा हम अपने आप को रोकते हैं। हम सोचते हैं यार ये हम लगा सकते हैं, क्या ये तस्वीर डाल सकते हैं, क्या हम पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्या हम ओपनली निकाहनामा के बारे में, जो कि हम करते हैं वो फिर भी हम चल जाते हैं, क्या हम डिवोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्या वो हकूक़ जो आपके मुल्क ने, आपके रिलीजन ने आपको दिए, क्या हम वो ओपनली बात कर सकते हैं? सो एंड दैट्स अ थिन लाइन, यू नो, वेयर यू डोंट ट्रिगर पीपल बट यू एक्चुअली इन्फॉर्म देम। So that's the idea. And of course, a lot of fun stuff happens. Oh, the content is amazing. Yeah. मतलब उसकी जो color palette भी है और जो content है जो young बच्चे कर रहे हैं, आपने जिनको hire किया है, बहुत अच्छा content करते हैं। हर साल माहिरा, मैं और आप वैसे तो मिलते रहते हैं इधर उधर कराची में मिलते रहते हैं, लेकिन हर साल मैं आपको औरत मार्च पर देखती हूँ। आप हर साल एक you make it a point to come. And it really moves me, and I think it moves a lot of people who follow you and love you. और आप उधर तस्वीरें भी खिंचवाती हैं, आप बोलती भी हैं, आप इंटरव्यूज भी देती हैं, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है हर साल आना औरत मार्च पे? I think मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब कोई चीज़ करती हूँ, चाहे मैं यहाँ आई हूँ या मैं अब छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कुछ करती हूँ या जिस किसी चीज़ को इंडोर्स करती हूँ, तो मेरी आवाज़ का एक, मुझे लगता है कि एक वज़न है। बिल्कुल है। शायद कुछ लोगों के लिए ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे फैंस के लिए है, मेरे जो चाहने वाले हैं उनके लिए है। तो जब मैं औरत मार्च पे जाती हूँ, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज़ दैट लुक, आई इफ़ यू लाइक मी एंड इफ़ यू थिंक that what I say means something, if you think that I am on the right side of history or whatever it may be, whatever you think of me, this is also what I believe in, this is why I'm here, you know, kyunki mera aurat maat jaane se honestly itna zyada kuch nahi hota sivay ye ki impact, you know, ki okay photo le rahe hain to aur log sochte hain acha ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, ये औरत मुझे अच्छी लगती है और ये औरत मार्च को सपोर्ट करती है। ऑल्सो आई फील के जो सारी हमारी एक आई डोंट नो, हम लोगों के साथ एक बड़ा मसला है कि हम लोग स्पेशली नाउ विद सोशल मीडिया एंड एवरीबडी हैविंग एन ओपिनियन मीरा, आई थिंक देयर इज सो मच मिस इन्फॉर्मेशन, राइट?
क्योंकि जो ज्यादा बड़ी आवाजें हैं उसको आप सुनना शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है ओ औरत माज का मतलब है कि यू नो औरतें जो हैं कपड़े फाड़ के वहाँ बैठ जाएंगी, अरे ये थोड़ी मतलब है, इसीलिए आपको इतना बुरा लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये किस तरह का नारा है, मतलब इट्स जस्ट सो सिली. तो आई फील लाइक आई कैन गो एंड एक्सप्लेन इट बिकॉज आई विल गेट द टाइम टू एक्सप्लेन इट, राइट, क्योंकि वो मेरी शक्ल देखेंगे, उनको नहीं सुनना एक्सप्लेनेशन, मगर वो एटलीस्ट उनको ये पता है कि यार मायरा खान का हम पैकेज ज़रूर बना के तो ठीक है, उनको अपना मिल रहा है और मुझे ये मिल रहा है कि मुझे वो दो मिनट मिल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके पीछे मतलब क्या है. इसके पीछे ये मतलब नहीं है कि मैं अपने कपड़े फाड़ के बैठ जाऊँ, नहीं, इसका मतलब है कि मैं एक पूरी इंसान हूँ, ये मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है और मैं आपको कहूँ आप मुझे ना देखें, या आप मुझे छूना चाह रहे हैं और मैं आपको रिपोर्ट करा दूँ, बिल्कुल, क्योंकि जी ये मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी, और हाँ जब व्हेन आई एम ओके विथ इट आई माइट इवन अलाउ इट, सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई go for and go to explain. But I think it's, Mahira, I think it's really amazing because बहुत से actors और actresses हैं जो डर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा काम अफेक्ट होगा, हम एक्टर्स हैं, हमें ब्रांड्स नहीं लेंगे क्योंकि कहेंगे आप कॉन्ट्रोवर्शियल हैं. सो आई एक्चुअली थिंक ये बहुत ब्रेव और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप हम मेरे लिए और हम सबके लिए करती हैं, बिकॉज आई ऑनेस्टली मेरी हिम्मत अफजाई होती है जब मैं आपको देखती हूँ, यू नो बिकॉज यू आर माई कॉलीग एंड यू आर माई फ्रेंड, बट आई एडमायर यू एंड वन यू आर आउट आई एम लाइक हाँ मैं पागल नहीं हूँ, मायरा भी आई हुई है, यू नो, और मेरे लिए ये इतनी मेरी हौसला अफजाई होती है आपको वहाँ देख कर. सो आप प्लीज़ ये करती रहे. आपके जो भाई हैं एहसान, वो मैं उनको ट्विटर पर फॉलो करती हूँ और मुझे उनकी सियासी गुफ्तगू और सियासी राय बहुत अच्छी लगती है, आपसे शायद मुख्तलिफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मायरा आपके घर का माहौल कैसा था कि आप दोनों बहुत सुलझे हुए और पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं एंड योर सेंस ऑफ जस्टिस इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ डिवेलप्ड एंड आपने अपनी अम्मा की तो बहुत बातें की इंटरव्यूज़ में, बट माहौल दूसरी तरह से कैसा था वैल्यूज़ के हवाले से? मुझे लगता है क्योंकि आप ये कह रही हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नो यू एंड हसन हैव दिस यू नो दिस ओपिनियन एंड अ वॉइस एंड यू नो इट्स वेरी सिमिलर आल्सो ऑफ कोर्स, लेकिन और फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप ने ऐसा क्या किया होगा अपार्ट फ्रॉम वॉट मोस्ट पेरेंट्स डू जी फॉर देयर चिल्ड्रन. तो मुझे ऐसा लगता है, अब आई डोंट नो, कि एक आज़ादी थी हमारे घर में, छोटे से घर में चार लोग रहते थे एंड ऑलमोस्ट लाइक रूममेट्स रहते थे मेरा, क्योंकि इन यू नो इन दोनों के बच्चे नहीं पैदा हुए थे फॉर 8 years. आई वाज बोर्न आफ्टर 8 years. आई नो. सो यू नो दे वर सॉर्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट, दे प्रोबब्ली वर डूइंग यू नो देयर ओन थिंग एंड हियर कम्स दीज टू चिल्ड्रन, राइट. एंड उस आज़ादी ने, और वो आज़ादी ये नहीं थी कि जब चाहे बाहर चले जाओ, जब जो चाहे करना है कर लो, एक आज़ाद सोच थी हम दोनों को, अम्मा और अब्बा एंड अब्बा स्पेशली, इट वॉज ऑलमोस्ट इट वॉज वेरी एम्पावरिंग फॉर चिल्ड्रन अस लिटिल किड्स टू हैव दैट के नहीं तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है वो तो अम्मा अब्बा डिसाइड करेंगे क्या करना है, नहीं नहीं तुम्हें क्या करना है, अच्छा मुझे ये करना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें ये पसंद है या वो पसंद है. सो वी वर सॉर्ट ऑफ अलाउड टू मेक आर ओन जजमेंट्स अबाउट पीपल एंड थिंग्स एंड वट वी लाइक एंड वट वी डिंट लाइक एंड वट जो हमें सही लगता था और जो हमें गलत लगता था. सो यू नो बट आई थिंक येस आई थिंक माई फादर एंड माई मदर बोथ जस्ट वर जस्ट दीज माई फादर स्पेशली वॉज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड मैन स्टिल इज और बस हमें ये आज़ादी दी कि हम लोग अपने डिसीजंस अपना माइंड बनाएं हर चीज़. देयर वाज नेवर अ थिंग कि ये ही करना है, सही, यू नो, सिर्फ ये कहते थे अब्बा कि देख लो सोच लो, बिकॉज एवरी डिसीजन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, बेशक, और वो तुम्हें ही भरना होगा भाई, हम तो तुम्हें सिर्फ बता सकते हैं कि ये सही है या ये सही है. सो आई थिंक वो था माहौल, जैसा हिप्पी हिप्पी माहौल था ना, बिल्कुल. Yes. मुझे भी ऐसा ही लगता है. It was quite a hippie moment. Yeah. Because even you know the photos you've shared of your father,
I've never met him and I would love to meet him at some stage, but unme wo malang ek unme ye aati hai vibe ki wo hain live and let live wale insaan. माहिरा, आपने बहुत सारे ट्रेंड्स शुरू किए हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे अच्छे ट्रेंड्स, और एक ट्रेंड कह लें या एक वैल्यू जो आपने शुरू किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह करे ये चलता रहे, वो ये है कि बिफोर यू केम ऑन द सीन एंड इमर्ज्ड एंड माशाल्लाह एक्सप्लोडेड ऑन द सीन एज अ स्टार, यू नो एक्ट्रेसेस की आपस में नहीं बनती थी और एक ट्रेंड था कि ना बने तो ये भी अच्छा है और ये भी ठीक है, और कि नकचड़ी एक्ट्रेसेस होती थी और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि एक एक्ट्रेस एरोगेंट होगी, एंड दिस वाज वेरी मच द एक्सपेक्टेशन. यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड व्हेन यू केम माहिरा, यू डिडंट मेक नाइसनेस अ थिंग, बट आपने अपने एग्जाम्पल से, अपनी कंसिस्टेंसी से, आपका जो अंदर का जो कोर है, यू इंसिस्टेड ऑन बीइंग kind to everyone, and you know it caught on because good things catch on, and now ab actresses sab achhi hai aur sab kehti hai ki hum acha banna chahte hai aur acha dikhna bhi chahti hai, but ye aapne aake kiya and you insisted on it. No really, but you did, like you're sitting here today, I know you had so much going on and you always insist on it, and I love that about you. Aur mujhe bataye ki ye जब आपको पुशबैक आता है कि आपने यहाँ पे नखरे किया करें वगैरह, तो आप कैसे हैं? किसने बताया कि आता है? हाउ डू यू नो कि ये पुशबैक आता है? आई एम श्योर आता होगा. भाई देखिए, आई एक्चुअली डोंट नो, यू नो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, और ये मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, अच्छा, चाहे वो डायरेक्टर हों या एक्टर्स हों, जो दोस्त, मतलब कि आप मुझे कह तो रहे हैं कि आप ये बन जाएं और आप बहुत इस तरह सबसे करती हैं और आप अपना थोड़ा सा प्रोटेक्ट करा करें अपने आप को और ऑल ऑफ दैट, तो मुझे तो लगता है ये ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए. बिकॉज यू सी आई हैव टू बी माई सेल्फ. बिल्कुल. अगर मैं नहीं हूँ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. तो आप मुझे कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कुछ और बन जाओ, मगर वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, वो मुझसे नहीं होता. जब मैं करती भी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अब अल्लाह मियाँ कुछ होगा, मेरे साथ होगा कुछ, मैं फिसल जाऊँगी, यू नो. बट सो आई जस्ट फील लाइक व्हाट्स द नीड. यस, व्हेन देर इज़ अ नीड, व्हेन आई नीड टू स्टैंड अप. इनफैक्ट आई जस्ट रिसेंटली, I don't want to say it. Okay. Well, whatever I have, yeah. You know. So very few times where I'm like, okay, now you're stepping on, you know, not just my shoes. मुझे actually इतना बुरा नहीं लगता कि कभी कोई मेरे साथ कुछ करे. मगर अगर मेरी manager के साथ या मेरे कोई team member के साथ, मतलब अगर makeup artist मेरा हो, whatever, तब हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है. Coming back to what you initially said to me, thank you. Firstly, I don't know that if that's the truth. It is. I'll take that, and I don't think it is, but I'll take it, and I hope that that happens, because I find it archaic. I find it ridiculous. I find it regressive. Totally. To think and to believe that agar main star hoon ya bahut badi koi actress hoon, to mujhe is tarah behave karna hoga. Ye kahan likha hai? Bilkul. Ye kaun kehta hai? आपका, बिकॉज लोग कहते हैं आपका एनिग्मा मर जाता है. मुझे तो ऐसा लगता है आपका एनिग्मा तब मरता है जब आप बदतमीजी करते हैं, जब आप किसी, आपके जो चाय देता है आप उससे बदतमीजी करते हैं, या अपने मेकअप आर्टिस्ट को निकालते हैं बाहर. ऑनेस्टली जी, मुझे ऐसा लगता है. सो ये हमें अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ऐसे बनो, ऐसे करो. नहीं, तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारी शादी हुई हुई है? तुम कैसे बोल सकती हो तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है? तुम कैसे बोल सकती हो तुम एक बच्चे की माँ हो? हकीकतें हैं ये, दिस इज माय रियलिटी. इसकी वजह से तो मैं हूँ. अब इसको अब मैं छुपा नहीं सकती. ऑल्सो लिटिल थिंग्स, यू हैव टू डू दिस ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू गेट दिस काइंड ऑफ, yeah, you have to look this way. Oof. No, you know, you don't. And trust me, I'm an example of that. That you don't need to.
You know, पिछले साल मायरा मुझे याद है एक वक्त था जब आप जब L'Oreal पेरिस से वापस आई, जब आप गई तो आपने बाय द वे बहुत हसीन और बहुत अमेजिंग फैशन फॉरवर्ड तस्वीरें लगाई, व्हिच आई आल्सो लव्ड एंड फॉलोड. एंड देन देयर केम अ टाइम, आई थिंक अ ईयर आफ्टर दैट मे बी, व्हेन यू वर क्वाइट ऑन सोशल मीडिया फॉर अबाउट 2 or 3 months. एंड आई डोंट नो इफ व्हाट यू वर गोइंग थ्रू और व्हाट इट वाज अ टेक्निकल डिसीजन और व्हाटएवर, बट आई हैव सीन यू डू दैट, व्हिच वाज यू टुक अ ब्रेक बिकॉज आपने अपनी क्लेंजिंग करनी थी. तो बिल्कुल करना चाहिए, करना जब जरूरी हो तो कर लें आप, और अगर नहीं करेंगे आप ही पछताएंगे फिर, क्योंकि आप अपने आप को नो. समटाइम्स मुझे भी होता है कि यार कोई कपड़े पहन के तस्वीर लगा दो, और जैसे ही मैं लगाती हूँ फिर मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा फिर मुझे कहती हूँ आई हाय ये मैंने क्या कर दिया है, दिस इज़ नॉट मी. तो वो अंदर एक जो होती है वो फिर चल पड़ती है. बिल्कुल. और ये ऐसी देखिए, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया इज़ अ कम्प्लीटली अनरियल वर्ल्ड. Unregulated. Yeah. And unreal. And now वहाँ कोई follower जिनके नाम है to be too honest, I take you to please _123 or 786. We don't know. Who are these people? What are they saying? There was a time, you know, Meera, जब मैं Twitter पे पहले वाले आई थी. जी. मैंने I convinced you. Right? You did. And then I heated myself. By the way, and then this is on the record. Yeah. That Mahira Khan convinced me to join Twitter. And then I just bounced from it. Mm. I'm sorry. No, it's okay. You're there, so I know you're there. Yeah, I'm there occasionally. But I feel, you know, I feel like that night where I took you over there, and I was like, come on, we're gonna have fun, and you just got there, and I was like, oh, you're talking about that night. अच्छा समझ गई. No. So I think माहिरा मुझे ना, क्योंकि मैं आजकल अकेली हूँ कराची में, तो माहिरा मुझे लेके जाती हैं अपने साथ रात को. It's so sweet. नहीं, I think someone else takes credit for that because I'm pretty bad at doing those things. Oh yeah, but चलो, it's still me. आप ही के पीछे होती हूँ जा रही हूँ. But so coming back, yeah. So initially जब मैं ट्विटर पे थी मुझे ऐसा लगता था मैं यहाँ थेरेपी के लिए आती हूँ. उल्टा था आपके लिए? जी, मुझे ऐसा लगता था ओ आज हम ट्विटर पे ये करेंगे आस्क माहिरा. एंड द लव अभी भी आता है माशाल्लाह. बिल्कुल आता है, लेकिन या तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, मुझे बिल्कुल उनको अनफॉलो कर देना चाहिए और सिर्फ अपने फैंस को करना चाहिए फॉलो और समथिंग लाइक दैट, यू नो. या फिर I don't know. I feel that there's a lot. And it's like you said, it's unregulated. Yeah. It's I don't know. I just do not. Twitter ke algorithms, sare social media platforms ke algorithms bhi yahi hain ki jo extreme content hoga usko eyeballs milenge. Bilkul. To wo they're designed such. They're designed. So if you say something very profound but it's subtle, wo usko koi play nahi milega. Bilkul. 100%. Bilkul. Isliye ladaiyan kamyab hoti hain Twitter. Exactly. Kyunki unko wo eyeballs milte hain sare. Bilkul. Ladaiyan hi to kamyab hoti hain. Which is yeah. Aur aap kya dikha rahe hain? Aap ye dikha rahe hain ki hame ladai mein maza aata hai. World over. बिल्कुल. Anyway, I think जब खैर social media शुरू हुआ था, so it was supposed to be a means to an end, ना? अब वो एक an end in itself बन गया है, इसलिए बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं उसकी वजह से. बिल्कुल, बिल्कुल. माहिरा आप मुझे बताएं, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन एंड मैन वॉन्ट टू हियर दिस, वॉट आर सम अट्रैक्टिव क्वालिटीज इन अ मैन, लाइक वॉट आर द 3 मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटीज इन अ मैन फॉर यू? ओके, आई लाइक I really like, and by the way, this goes for a man and a woman. Yeah. I find both men and women attractive when they are at complete peace with, like, peace with themselves. They're comfortable. Totally. Hai na? Totally. Like, when they're just comfortable with them, who they are, I find that attractive. I find it a joy to be around them, you know. I think I also collect those sort of people around me who I feel are like, you know, I like that. Yeah, I really authenticity. Like that. Yeah, just, and they're at peace with themselves. I like that. So that, one. And secondly, I am a real, like, I love a good sense of humor. You don't know, I was, where was I? Abhi in Skartu, where? No, where was I? And I was like, uska bahut achha sense of humor tha. To maine kaha, chal chuki, tum yahan mere saath aa jao. Because I just like that, ki mujhe koi hasaye. Aur agar koi mujhe nahi hasa raha, to main hasati hoon. Because I like a good laugh, you know, and I like that. Yeah. And third would be, I think I like a man who I've met a lot of people in my life, just generally, you know, hamara kaam aisa hai ki, but mujhe ek
अब नाउ आई एम कमिंग स्पेसिफिकली टू अ मैन. मुझे लगता है एक आदमी में जब वो एक औरत की ट्रूली इज्जत करता है वो बहुत बहुत कमाल की चीज. सो इट्स एंड ऑब्वियसली इज्जत तो हर इंसान की करनी चाहिए, बट आई थिंक इन द काइंड ऑफ I mean, the kind of people I've met, and sometimes when I see them talk about, you know, just women, and then there are some who really. और वो एक उनकी फिर उधर से आता है ना. बिल्कुल. उनकी माँओं से और बिल्कुल उनकी माँओं से भी और बापों से. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अब्बा ने आपकी अम्मा की रिस्पेक्ट की है तो वो बड़ा आप देख के you know you feel like okay this is normal in my life. So yeah, does that cut it? Yeah. Did you want me to say eyes? Or like you know when you said I thought you were going to say like I love a good set of full lips something. What? a set of full lips. No man, I don't think what that. I like the hands and feet to be clean. Yeah, okay, nice, huh? But to be honest, I don't notice too much वैसे. I'm telling you, you know, different men, हाँ, different. बिल्कुल. I look at, I'm like, oh, this one has nice. I actually don't. अब सुनिए, अब मैं जो बात करने लगी हूँ ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ. हमारी इंडस्ट्री में जो you know we all love you right yes. And we love you as Mahira and I love you as a role model, I love you as a friend. But so many of the men I've worked with have all had crushes on you, Mahira. It's true. So many, because they confide in me. I'm like their friend and I'm whatever, you know. But I know for a fact that so many of them have had crushes on you. जब आप unknowingly जब आप लोगों के दिल तोड़ देती हैं तो मतलब आपको तो पता भी नहीं होता होगा कि आपने कितने लोगों के दिल तोड़े होंगे, Mahira. How do you keep yourself humble? What do you mean I should be? I really wanted to always ask you this. Yes, you know, like, aap jaati hain to, you know, my mother used to say, mujhe kehti thi, I would leave. She said, jab main university mein thi, there were corpses in my way. Matlab kya? I was like, wow, achha, itna tha. And she was like, haan, like, bahut tha. Like, everybody, you know, I had a lot of, I don't know if I should say this, but maine keh diya. But, you know, you have a certain magnetism and you have a certain way about you. So, अंदर आपके क्या चल रहा होता है थोड़ा सा तो बताएं ना, मुझे बताएं. मुझे बताएं. जैसे कि मैं और आप बैठे हुए ना, आप बाहर हैं, मैं आपको बताऊंगी. ओह गॉड, नो वन्स एवर एक्चुअली सेड दिस टू मी, यू नो, नो वन्स एवर आस्क्ड मी दिस. आई थिंक आर यू आस्किंग मी हाउ आई डील विद दैट? या सो हाउ डू यू डील विद दैट? इनिशियली आई यूज्ड टू बी you know, a bit, I used to get a little, I don't know, I used to, yeah, oh my yeah, God, exactly, you know, that attention was a bit, a lot, yeah, but I've been lucky because mujhe, mere kisi bhi kabhi co-actor ne, kabhi bhi, I swear, yeah, galat tarike se kabhi nahi ki, sahi, पता नहीं मेरी शक्ल पे लिखा है कि मुझे अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो मुझे इससे शादी करनी है. लिखा है क्या मतलब? मतलब they all wanted to just like marry me. Yeah, so ओह शुक्र आपने खुद कह दिया यार. वो ही ना कि मतलब इतना ज़्यादा एक वो था. मुझे पता है क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ. Yeah, but oh my God, I can't believe you're talking about this. Oh my God, after like 10 years of being in the industry. I'm just saying, as an object of affection, you know, you've just dealt with it really well. So thank you. Yeah, you've dealt with it really well. I'm feeling shy about this. Yeah, thank you. I don't know. I wasn't saying that people want to cross boundaries with you, but I guess what I was saying was कि जब आपको इतना प्यार मिलता है और एक तो आपको फैन से मोहब्बत मिलती है, you know, और फिर मतलब खैर you have dealt with it so well. I don't know, and I hope it doesn't go away. Yeah, I feel like it's fading. You know, I do. Something is. Dying inside of me. I don't know if it sat in front of the mirror and answered questions. By the way, I still do that.